दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं एक ऐसी जानकारी को लेकर जिसको जानकर आप बेहद खुश होंगे। दोस्तों क्या आपको पता है, अब उत्तर प्रदेश बैंकिंग कस्परेंसर की बहनों की नियुक्ति झारखंड की तर्ज पे की जाएगी, यानी कि अब एक ग्राम पंचायत में दो बीसी सखी बहनों की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से बैंकिंग सखी योजना के तहत सरकार फिर से नई भर्तियां करने जा रही है। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाइए। तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों झारखंड की पंचायतों में होंगी एक से अधिक बैंकिंग सखी बहनें। दोस्तों इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही आपको इस तरीके के काम देखने को मिल सकता है। झारखंड की इन पंचायतों में होंगी एक से अधिक बैंकिंग सखी, कोरोना काल में घर बैठे उपलब्ध करा रही थी वित्तीय सेवा। दोस्तों आपको बता दूं कि किस तरीके से आने वाले समय में झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा कई जगहों पर बीसी सखी बहनों की नियुक्ति फिर से की जा रही है। यानी कि अगर मैं बताऊं तो आपको कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसी तरीके की झारखंड की संस्था है जहां पर पंचायतों में एक से ज़्यादा बैंकिंग सखी यानी बैंकिंग कस्परन की नियुक्ति पर विचार कर रही है। इस संस्था को इस बात की तसल्ली है कि कोरोना के मुश्किल समय में भी बैंकिंग सखी जरूरतमंद ग्राहकों को घर बैठे वित्तीय लेन देन उपलब्ध करा रही हैं। दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से बीसी सखी बहनें, बैंकिंग कस्परन सखी बहनें वित्तीय सेवाएँ गाँव गाँव घर घर जाकर ग्रामीण भाइयों और बहनों तक उपलब्ध करा रही हैं। लोगों की जरूरत को देखते हुए, जी हाँ दोस्तों, लोगों की जरूरत को देखते हुए आबादी वाली, ज़्यादा आबादी वाली पंचायतों में अब एक से ज़्यादा बैंकिंग सखी बहनों की को जिम्मेदारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, अभी राज्य भर में 4003 बैंकिंग सखी कार्यरत हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 58,000 के करीब बैंकिंग सखी, उसी तरीके से झारखंड में 4003 बैंकिंग सखी कार्यरत हैं। अप्रैल में इनके द्वारा करीब 121 करोड़ रुपये का लेन देन हुआ। कोरोना काल में जब लोग घरों में कैद थे तब इन्होंने ग्राहकों को वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराईं। इनके बेहतर कार्य को देखते हुए अब इन्हें इसे विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है। एक तरफ न केवल महिलाओं को रोजगार मिल रहा है बल्कि सुदूर ग्रामीण इलाकों के लोगों को बैंकों को चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिल रही है। ग्रामीण विकास में इनकी अहम भूमिका नजर आ रही है। दोस्तों आपको बताऊं तो अकेले रांची की अगर बात करूं तो रांची जिले में हर महीने औसतन 10 से 12 करोड़ के बीच का ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये सारे ट्रांजेक्शन बीसी सखी के माध्यम से जरूरतमंदों को घर बैठे खातों से नगद निकासी, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मनरेगा मजदूरी के शादी, अन्य केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी सीधे तौर पर दिया जा रहा है। बता दें कि झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के तहत JSLPS कार्यरत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में NRLM कार्यरत है, उस तरीके झारखंड में JSLPS कार्यरत है और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसी के तहत बैंकिंग सखी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को घर बैठे वित्तीय लेन देन की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग देखा जाए तो किस तरीके से सरकार अब इन सभी चीज़ों के तर्ज पर, यानी कि जिस तरीके से झारखंड में इस तरीके की नियुक्तियां की जाने वाली हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हर ग्राम पंचायत में दो बीसी सखी बहनें बनाई जा सकती हैं। बाकी आने वाले समय में जैसे कोई शासन आदेश आता है मैं आपको एक अलग स्पेशल वीडियो के माध्यम से ज़रूर अपडेट करूँगा। जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।